அரங்கிகி அனுபதி. இலு அல்லா, இமான் சே சுபானி அங்கிள் மில் கே. हाँ, बाबू भैया थाने उन्हें गए थे ना, हम सब पता करा लिए, कॉल उल किए हमको वहाँ थाने से. मतलब अब मुन्नी आपा अपना घर चला जाएंगी? ये बात जरा हमको मुश्किल लग रहा है. काहे? अब उनका सारा बात तो खुल चुका है. मुन्नी आपा उनका बहू है तो अनवरी आंटी उन्हें काहे नहीं लेके जाएंगी अपने साथ? पर तुम्हारी अनवरी आंटी का तेवर तो हमको ऐसा नहीं लग रहा. ऐसा कैसा हो सकता है? देखना, बाबू भैया उनको बोलेंगे. और बोलना भी चाहिए. पर तुम अनवरी आंटी का मिजाज देखियो, वो कौन सा उस शादी से खुश है भाई. वो माने ना माने लेकिन मम्मी आपा है तो उनका बहू ने, और अब तो उनका पोता उता भी होने वाला है. अरे वो कब अरमान की थी दादी बनने का. पर अब मुन्नी को बाबू के साथ जाना चाहिए, इसी में मुन्नी का भलाई है. बोल रहे हम. ठीक है, हम देखते हैं कि अम्मा का कहती है. सुनो, हमको जरा नाश्ते में पराठे के साथ जरा कलेजी तो ला के दो. कलेजी? छोटी अम्मा बड़ा दामाद के लिए कलेजी बनाई है तो का छोटा दामाद नहीं खा सकता. जाओ जल्दी लाओ, हमको बहुत तेज भूख लगा. जाओ सब. बस हम लाते हैं. और सुनो, जरा अनवरी आंटी का तेवर देख के आओ और हमको बताओ. ठीक है? ठीक है, जाओ. मुन्नी का वो घर में जाना हमारे लिए बहुत लकी रहेगा. अब बाबू से तो रिश्तेदारी हो गया है, नहीं तो 50,000 वाला मामला भी दब जाएगा. वानो साहब का चीता दिमाग पर. अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया का? यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमको का पता. अरे हम इस शादी को मानते नहीं है तो मुन्ने जमाने का घुन्नी काहे हम अपने घर ले आए. आपका मानने ना मानने से कुछ नहीं होता मम्मी, बाबू भैया मानते हैं. अरे तुम्हारे बाबू भैया जाने उनका बेगम जाने, हमने सारी जिंदगी अपना घर में राज किया ना, तो अब भी करेंगे. और मुन्नी आपा? अरे कहा तुमको मुन्नी का परेशानी लग गया. हम तुमको बोल दिए थे ना कि हम अपना मर्जी का दुल्हन लाएंगे बाबू का. बोल दिए थे, बस बोल दिए. मुन्नी के मामले में कितना फिकर हो गया हमारे घर को. मुन्नी, का सुबह सुबह तुम काम में लग गई हो बिटिया? अम्मा जो रोज करते वही कर रहे हैं. अरे हमारी गुड़िया, वो टाइम और था, अब तुम्हारी तबीयत ठीक ना है ने, तुम जाओ आराम करो, हम खुद कर ले. काम ना, अब हम तुम्हारी एक बात ना सुनेंगे. वो तुम्हारी सास का बोलेंगी कि हमारी बहू को इस हालत में बोर्ची खाने में झोंक दिए हैं. वो ऐसा कभी ना ही बोलेंगी. अरे काहे ऐसा बात करती हो? वो जो अनवरी है ना, ऊपर से बहुत सख्त है पर अंदर से चुनिया बादाम है. करोगी ना तो टूट जाएगी. अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है मुन्नी आपा, ये आप लोगों का खुशफहमी है. हम बता रहे हैं वो कभी नहीं मानेंगी. अरे कैसे ना मानेंगी, वो हमसे रूठ गई है ना, हम उनको मना लेंगे. वो तुमको बहू ना माने पर अपना पोता पोती को तो मानेंगी ने, ऐसा कौन भी लगा हुआ. ए चंदा चल बहन को अंदर लेके जा, जाओ तुम आराम करो, हम खुद पका लेंगे. तेरा शुक्र है. अरे केशवर, जुआ तो तुमरा सर में डिस्को कर रहे ना. अरे मम्मी,
कहाँ है बेटा? अरे कहाँ है भाई? अरे यहाँ है। अब दे हमका दुआए, ये देखे ये हमका लेके आए, ये घर का चाबी, अब चलिए। अरे बच्ची, अल्लाह ने हमको सिला दे दिया ने। थैंक गॉड, अब हम अपना घर में जाएंगे। और नहीं तो क्या? अरे चाबी इधर दे दीजिए, आप न देंगे किसी को हम? हाँ भग, किसी को ना दें, हमने पास ही रखे, पर घर तो चले ना। बाबू भैया, हम कपड़ा तो बदल ले। अरे कपड़ा कहे तो अपने घर जा रहे हैं भाई। अरे हम साड़ी उड़ी बदल लेने। अरे क्या हो गया है, हाज पे नहीं जा रहे हम? अरे सामान वन कहाँ है? हम सामान पहले ही रख दिए बाहर। अरे बाबू कितना प्यारा हो गया नहीं तो। हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो भाई ये रहा सामान। है कितना अच्छा लग रहा है ना मौसम। हमका दे दीजिए। नहीं नहीं हम उठा रहे ना जी। सलाम अलैकुम, बच्चे लोग ठीक है ना? हम बहुत खुश हैं, हम अपने घर में वापस आ गए ना। ए चाबी हमारे पास है बच्चा। चलिए आइए बाबू आइए। अरे पकड़िए नहीं। अच्छा ना। अरे खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है हम अपने घर को लौट के आए। बोलिए ना, आइए आइए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। रख दीजिए बेटा। अपना घर में आके कितना सुकून मिलता है। हाँ बेटा, अल्लाह यही बाप का हमको सजा दिए ने। कभी अपना छत और आसरा को बुरा नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा नेमत। अरे ये कौन आ गया है इस वक्त? हमको क्या पता, आया होगा तुम्हारे मुंह बोले ससुराली। बहाने बहाने से आ रहे, चाय ले लो, पानी ले लो, दाल ले लो, पान ले लो। जैसे हम उनका खातिर भूखा बैठे। अरे क्या हो गया है, सारे ही चीखे चले जा रहे हैं, देखते हैं। ये बाबू भैया कितना चालाक हो गए हैं मम्मी। चालाक होते हैं तो ये गुल्ली खिलाते। नहीं मम्मी, ये होशियार बेवकूफ है। हमको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, क्या बोल रही हो? अब आप देखिए, सुबह से कमरी खाला और चंदा चार चक्कर लगा चुके हैं। वही तो हम बोल रहे हैं। और सारे घर का काम हम और आप की है। हमको किसी का एहसान नहीं लेना। किसी का एहसान नहीं लेना, पर वो काम भी तो नहीं की। अरे क्या बोल रही हो बेटा, काहे पहेली बुझा रही हो? ये आपका सीधा बेटा और उनका ससुराल वाले हमसे घर का सारा काम करा के अपनी मुन्नी को यहाँ शान सलाने का मौका ढूंढ रहे हैं। अल्लाह, ये तो हम समझे ही नहीं थे। तो मम्मी, मम्मी, अरे कहा है, क्या है? अरे वो आए हैं। कौन आ गए? अरे डैडी। अरे उनको बोल दीजिए हमको माफ कर दे, ये घर से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मम्मी, अरे डैडी बाहर बैठे ने। उनको बोलिए इस घर से नहीं बल्कि मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कीजिए, हम उनके चालबाजी में नहीं आने वाले हैं। अरे बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं वो। अरे हम जानते हैं, यही उनका नया पैंतरा है। जब हमको सड़क पर बिठा कर गए थे उस वक्त उनकी शर्मिंदगी का तेल लग गई थी। अरे अब हमका ये नहीं मालूम, हमको बस इतना मालूम है कि रो रहे हैं, रोते रोते बोल रहे हैं कि अनवरी का पैर पकड़ के माफी मांगना है। हमको अपने पैर में कोई बेड़ी बेड़ी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच ढोंगे कह के। मम्मी सारा मोहल्ला को पता चल जाएगा, वो कब तक बाहर बैठेंगे? अरे मोहल्ला में हमारा इंसल्ट कम होता, अच्छा इनको भी पता चल जाए बाहर बैठने से क्या होता है।
अरे भाई उनकी इज्जत के खातिर ना है, अपनी इज्जत के खातिर कर लें भाई, एक दफा बुला के पूछ तो लें। अरे भाई घर की इज्जत का सवाल है ना। तुमको इस घर का इज्जत का बहुत ख्याल है ना, तुम इस घर का इज्जत बहुत रखे हो ना। मम्मी पर अब तो मजबूरी है ना, डैडी तो फरहान के अम्मी जी से भी मिल चुके, हम उनको कहाँ बोलेंगे? बोल देंगे अमेरिका से आते ड्रोन हमला किया चला गया। अरे मम्मी मजाक का बात नहीं है ना, कुछ ठीक बोल रहे हैं। वो जो फरहान के अम्मी लोग हैं ना बहुत चलाक हैं, जरा जरा सी बात नोट कर लेते हैं। बच्चा लोग गलत नहीं बोल रहा, ये सांप का जहर निकाल के आस्तीन में थोड़ा दिन रखना ही पड़े। ठीक है बुला लीजिए, देखते क्या ड्रामा करेंगे। अच्छा ठीक है हम लाते हैं। बिटिया ये सब हम तुम्हारे जहेज के लिए जमा किए हैं, पर ये सब तुम अभी काहे पहना लियो अम्मा? देखो मुन्नी तुमको अपना मर्जी करना था ना, वो तुम कर ली हो, अब हमको अपना मर्जी से सब कुछ करने दो। माँ हम जो भी किए ना वो बहुत मजबूरी में किए हैं। वो बाबू बोल रहे थे कि अनवरी आंटी ऐसा नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो ही वो कबूलेंगे। मुन्नी तुमको अपना अब्बा याद है ने? अरे इज्जत की खातिर उकट मरे और तुम इस दुनिया में हमरा नाक कटा दी हो। खैर अनवरी को तो मानना पड़ेगा ने, पर हम अब इज्जत के साथ तुम्हारा रुखसती करेंगे, दुनिया को भी हमको अपना मुंह दिखाना है। ओ अम्मा वो अगर अनवरी आंटी जल्दी रुखसती मांग लिए तो तैयारी क्या का है, कैसे करोगी तुम? उसका फिक्र ना करो, वो नूरन है ना, उससे हम अपना लाख रुपए का कमेटी उठा लेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये रंग कितना अच्छा है अम्मा। ये भी बहुत अच्छा है, ये देखो। ये सब का तैयारी हो रहा छोटी अम्मा? ये मुन्नी का जहेज है। जहेज? अरे आप लोग को जहेज का फिक्र हो रहा है? ये सब का टाइम अब निकल चुका है। का मतलब हम समझे ना? अरे आप तो अब नवासा नवासी का कपड़ा उपड़ा बनाने का तैयारी कीजिए। अब तो वो टाइम आ गया है। का अम्मा को देख के किसको सुना रहे हो? अरे हम का सुना रहे हैं, सच तो कड़वा ही होता है। छोटी अम्मा एक बात का आप कोशिश कीजिए कि ये बात घर से बाहर ना निकले, और जल्दी जल्दी रुखसती का तैयारी कर लीजिए, वरना वरना का तुम्हारा तो इज्जत है नहीं, बाकी हम सब लोग का इज्जत जो है वो मट्टी में मिल जाएगा। उन लोगों से हम खुद बात कर लेंगे। बस बस रहने दीजिए, आपसे बात उतनी होगा, खुद ही करेंगे हम बात उधर जाते। इसका मसला भी हमारी करते हैं। अम्मा अब हम शादी शुदा डिसेंट औरत हो गए, इसलिए हम इसमें हाथ नहीं उठाते और गालियां भी नहीं सुनाते, वरना ऐसे ही करते ना। अभी इसका काम वो लगती है तो वो कहे ऐसी बातें करते हैं हमारे। अनु अनु हमको माफ कर दे, हम तुम्हें आगे हाथ जोड़े, हमको माफी दे दो ना। बाबू अपने डैडी से बोल दीजिए हम इनसे बात नहीं करेंगे। वीडियो कॉल कर ना चाची को। चुप कीजिए। देखो सिर्फ तुम हमरा मजबूरी सुन लो, इसकी बात जो चोर का सजा वो हमरा सजा,
आप जो किए हैं ने उसका ये सजा भी कम है। चोर बेचार घर छोड़ के चोरी करता है, आप तो अपने घर में डाका डाल दिए ने। जाइए जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपना सच्चाई बताने के बाद। हाँ, भीख मांग कर भी हमरा ही मुंह काला कीजिएगा। हम कमरे से जाने को बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम मतलब हमको घर से नहीं निकाल रही हो ना? अरे मजबूरी है हमरी, बच्चा को अपने बाप का नाम चाहिए। जब तलक हमरा किशोर के शादी नहीं हो जाती आप यहीं रहिए। हम तुम्हारा पैर खोलते हुए पानी से धो धो के पिएंगे। हम तुम्हारा गुलाम बन कर रहेंगे, तुम्हारा गुलाम। हमको ऐसा बेवफा गुलाम नहीं चाहिए। इस दवा तो अस्सु भैया को कह के कोई केस नहीं होने दिया। अगली बार ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी, जेल में उल्टा लटका के चक्के पिसवाएंगे। हाँ नहीं तो हम उल्टा नहीं लटकेंगे। का है? वो लोग धोते पहनाते हैं। छी छी, गंदा बात। कि तुम इससे बेहतर हमको गुआंतानामो पे भेज दो, गुआंतानामो पे। अरे भाड़ में जाइए। अरे बाबू क्या है? चलिए जी आइए। कहाँ? अरे ऊपर। ऊपर तो स्टोर है। अरे वो ही तो सामान हटा के साफ कराई है आपके रहने के लिए। चलिए उठिए। चल अल्लाह, अभी इस उम्र में ये सब कुछ देखना पड़ेगा हमको। चलो भाई जाइए। हमने ऐसा क्यों किया? अल्लाह तो पहले सोचना चाहिए था। छोड़िए हटिए, उसी का औलाद। अरे अम्मा सबर कीजिए। नहीं। हेलो हरान। किशोर मैं तो खुद आने वाला था, तुमने कब से अपना फोन ऑफ किया हुआ है? तुम्हें पता है मेरी परेशानी का अंदाजा भी है? हम आपको क्या बताएं हरान, हम तो खुद ही बहुत बड़ी परेशानी झेल कर आए हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? वो गुंडा लोग हमरे डैडी को किडनैप कर लिए थे। व्हाट? वो कब? वो तुमने तो कहा था वो कहीं चले गए। वो तो हम ऐसा समझे थे ना, पर असल बात कुछ और है। डैडी घर का रुपया लेकर जा रहे थे, पता नहीं वो गुंडा लोग को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गया। अंकल खैरियत से तो है ना? जी जी, डैडी तो घर आ गए पर पैसा सारा चला गया। ओहो चलो खैर, शुक्र करो अल्लाह ने खैरियत से घर पे पहुंचा दिया उन्हें। अच्छा सुनो, मैं अब जा रहा हूँ ना बुटीक, रात में बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मम्मी ठीक बोलती हैं, लड़की लोग का इज्जत और रिस्पेक्ट उनके बाप की वजह से होता है। अब हम हरान को कैसे बताएं कि हमरी ढली का घपला किए थे? वो किडनैप नहीं हुए, पैसे लेके भाग रहे थे और पुलिस ने छापा मार के पकड़ लिया उनको। अल्लाह हमरी इज्जत रख ले। अल्लाह की अनवरी।